एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल व्लॉग। जो आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। रात के 9 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि रात में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो हस्बैंड जी बलून्स ले आए थे तो बेटा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे बुलाना। मैंने कहा मैं बता तू दूर सही कि कैसे करना है, और इतना खुश थे सब। यही बचपना है यार, बड़े होके कौन सेलिब्रेट करता है, इसी में छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। और मुझे पता नहीं था कि घर वाले सरप्राइज़ दे देंगे। यहाँ पे दोनों भाभियाँ भाई सब लोग ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, मेरी भतीजियाँ केक और बहुत सारे गिफ्ट्स और ये सब लेके आए थे। तो सब इतना ज़्यादा खुश थे ना, बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर मेरी भतीजी को देखिए कितना मतलब डांस करी, इतना एक्साइटेड है। यही तो बचपना होता है, बड़े होके इतनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं कि कौन ही बर्थडे सेलिब्रेट करता है या और कुछ सेलिब्रेट करता है। फिर उसके बाद मेरी बेटी का केक जो भाई लाए थे वो इतना खूबसूरत था, मतलब उसे पिंक कलर पसंद है ना, तो वो उसका फेवरेट कलर है, तो हर चीज़ पिंक चाहिए। तो उसकी ड्रेस भी पिंक आई थी और केक भी पिंक आया था। और यहाँ पे मैडम केक कट करके किसी को नहीं खिलाया, मुझे तक इग्नोर कर दिया। सबसे पहले अपने अब्बा को खिलाने पहुँची थी मैडम कि अब्बा मैं केक बनने का, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। ये होता है ना, बेटियाँ मतलब अब्बा से ज़्यादा ही प्यार करती है। फिर नेक्स्ट डे का सुबह मॉर्निंग का है ये रोटी, एक तो जनाब को चाय बना के दो, ऊपर से इनको टोस्ट में मलाई लगा के दो, मतलब ना इनके अलग ही मतलब नवाब साहब हैं ये, कि मैं चाय भी बना के दूँ, इनको टोस्ट में मलाई भी लगा के दूँ। फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो बिरयानी बननी थी। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर मुझे सारे इन्ग्रीडियंट्स फ़िलहाल मैंने निकाल लिए थे, चिकन दही और प्याज वगैरह, और इसमें जितना भी पड़ना है वो। तो यहाँ पर हस्बैंड जी मेरे ज्ञान दे रहे थे कि मतलब खाना बनाना इतना ईजी है, में क्या टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर प्याज काट के दो मुझे। तो कह रहे नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कर लो, अब तो मैं जा रहा हूँ, छोड़ छाड़ के मुझे किचन में चले गए। ऐसे होते हैं हस्बैंड। फिर यहाँ पे मेरे बेटा आ गया था स्कूल से, तो मैंने उसे कपड़े वपड़े बदला के, काम डन हो चुका है, बच्चे स्कूल से आके नहा धो के रेडी हो चुके हैं, खाना खा चुके हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ फाइनली नहाने। नहाने के बाद बहुत जोर की भूख लगी तो मुझे खाना, नहा के आई थी तो मैंने सोचा था मैं अब फाइनली खाना खा लूंगी, बट ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे साथ में। यहाँ पे मैडम ने पूरे कमरे में गंद फैला रखी थी, बलून्स का सब कुछ गिरा रखा था, तो मुझे वो क्लीन करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं लेके आई अपनी प्लेट में बिरयानी दही और प्याज, इतनी टेम्पटिंग लग रही थी ना देखने में कि मन कर रहा था बस खाने लगूं मैं। बट टाइम देख रहे हैं आप, 4 बज गए लिटरली मुझे, मतलब आज इतना लेट हो गया। तो फिलहाल बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, देख के मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। अगर आपका भी मन कर रहा है तो आप जाओ ऑर्डर करो, अगर मन कर रहा है बनाने का तो बना के खाओ। उसके बाद मैंने अच्छे से खाना खाया, फिर से वापस आके हम चले गए थे बाहर खाने पीने, बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय कराने। बट वहां मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था, बिल्कुल मतलब बर्दाश्त से बाहर। तो बट कोई नहीं, मैं आके सो गई थी, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो आज से शुरू करते हैं, फिलहाल बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं जा रही हूँ कुछ रिव्यू का वीडियो रिकॉर्ड करने, कुछ प्रोडक्ट है जिसका, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ होता क्या है, जब मैं सोचती हूँ आज बाहर का कुछ ऑयली नहीं खाना है, घर का सादा खाना खाना है, और घर में भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं खाना है, पर ऐसा प्रोग्राम हो जाता है, नॉनवेज बन जाता है, कुछ अच्छी चीज बन जाती है, बिरयानी बन जाती है, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो मोटापा भी कंट्रोल करना है, प्लस अपने बालों की हालत सुधारनी है, क्योंकि सबसे गलत डिसीजन था जो आई थिंक वो कलर कराने का था, और उसके बाद जितने भी गलत डिसीजन है वो लेने में मैं माहिर हूँ। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को सुलाने, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना है, वहां भी देखना है मुझे, तो पहले मैं उसको सुला देती हूँ। फिर से वापस आके खाना वाना बना के अभी फ्री हुई थी, मुझे खाना नहीं खाना था तो इसलिए मैं दही फुल्की लेके आ गई थी, मैंने वो बनाया था, वो बहुत मन करा था खाने का। यहाँ पे एनर्जी नहीं बची कि मैं कुछ और रिकॉर्ड करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।